पास में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिमोट्स होते हैं जिन्हें ऑर्गेनाइज करने के लिए हम लोग अमेजोन पे जाते हैं और एक रिमोट ऑर्गेनाइजर खरीद लेते हैं, जो कि बहुत ही कम टाइम के अंदर एकदम कॉमन हो जाता है, हर घर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो आप वैसी कॉमन चीज़ें अगर अपने घर में नहीं रखना चाहते हैं तो आप एक DIY कर सकते हैं। ये एक छोटा सा DIY ऑर्गेनाइजर मैंने बनाया है, ये पार्टीशन का बॉक्स है जो कि नॉर्मली बाथरूम ऑर्गेनाइजर के नाम से मिलता है। इसमें चार पार्टीशन होते हैं, दो का तीन का भी मिलता है, ब्रश रखने का भी मिलता है आजकल अलग अलग तरीके के। तो उन्हीं में से ये मैंने 49 रुपीज़ का डीमार्ट में से खरीदा था। आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पे ये इस तरीके से यहाँ पे इसमें दो होल हैं जो कि इन्हें वॉल में भी फिट कर सकते हैं ड्रिल करके। तो मैंने ये 49 रुपीज़ में ख़रीदा और उसके बाद में मैंने ये जो अलग अलग कलर का जो जूट रोप है, ये कलर जूट रोप होती है और ये जूट रोप जूट वाला ही ये लेस है, ये देखिए छोटा सा ये मैंने ख़रीदा और मैंने इसे ग्लू की हेल्प से फेविकॉल से इसको चिपका दिया इसके ऊपर। और यहाँ से मुझे थोड़ा ये ब्लू ब्लू खाली खाली अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने यहाँ पे उसके एक नॉट्स बना के एक रोप बना के और इसको यहाँ पे लगा दिया। तो ये ऊपर से भी देखने में सुंदर लगता है। अभी इसे यूज़ करते हुए मुझे 2 से 3 साल हो चुके हैं ऑलरेडी। तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके का एक DIY बना सकते हैं और इसके अंदर इस तरीके से आप अपने रिमोट्स को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं और ये देखने में भी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। और इसमें हमें चार पार्टीशन मिल गए हैं। मैंने पैन भी रख दिया है और भी कुछ आप अपना रखना चाहें सामान तो इसके अंदर रख सकते हैं इस तरीके से। और इसके जो स्पेसेस होती हैं ना, ये थोड़ी बड़ी होती हैं, तो इनमें क्या है आप अलग अलग एक के साथ ज़्यादा रिमोट भी रख सकते हैं। देखिए इसके अंदर आराम से 2 रिमोट आ जाते हैं, ये देखिए। तो इस तरीके से हम यहाँ इनमें रिमोट को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं और भी कोई सामान हम रखना चाहें तो रख सकते हैं। और इसे हम अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इसे हम एज अ डेस्क ऑर्गेनाइजर भी यूज़ कर सकते हैं। आप अपने बच्चे को दे दीजिए, उसके अलग अलग तरीके के कलर्स वगैरह वो रख के इसे यूज़ कर सकते हैं।